चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन इस समय अपने करियर के सबसे अच्छे मुकाम पर चल रहे हैं कार्तिक का अपने करियर में इन दिनों एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दे रहे हैं और भूल भुलैया के सक्सेस के बाद तो कार्तिक की पॉपुलरिटी सातवें आसमान को छू रही है इस वक्त कार्तिक के पास कई सारे प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है और इसी बीच कार्तिक ने आशी की फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म आशी की थ्री का अनाउंसमेंट कर दिया है रोमांटिक हीरो की छवि तो कार्तिक आर्यन की पहले से ही बनी हुई है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो फिल्म अपने चार्मिंग लुक से किस तरह का तड़का लगाते हैं वैसे भी कार्तिक जहां भी जाते हैं छा जाते हैं कल कार्तिक आर्यन ने एली ब्यूटी अवार्ड 2022 में शिरकत की इस अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने भी शिरकत की लेकिन फैंस की खुशी का ठिकाना उस वक्त नहीं रहा जब दीपिका पादुकोण और कार्तिक आर्यन ने साथ में पोज दिए

वो व्हाइट आउटफिट में बेहद गॉर्जस लग रही थी तो वही कार्तिक आर्यन तो वैसे भी काफी हैंडसम है और फिर मीडिया के सामने जब दोनों तो ने साथ में पोज दिए तो फिर तो बात ही क्या थी दोनों को साथ में देख फैंस भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं कुछ बोल रहे हैं ये उनका ड्रीम पेयर है तो वही कुछ लोगों का मानना है कि दीपिका कार्तिक के अपोजिट काफी अच्छी लग रही है देखते ही देखते ये चर्चा तेज हो गई है कि दोनों तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में साथ नजर आने वाले हैं

कि आशिकी थ्री के लीड एक्टर कोई और नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन ही होंगे जिसका डायरेक्शन जाने माने निर्देशक अनुराग बासु कर रहे हैं अब कार्तिक के साथ आशिकी थ्री में किस एक्ट्रेस की एंट्री होगी फिलहाल मेकर्स ने इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है अब तक कई सारे एक्ट्रेसेस के नाम लिए जा चुके हैं मगर औपचारिक मुहर लगाना भी बाकी है दोस्तों आपको बताते चले उन्नीस में आशिकी फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें राहुल रॉय और अनु अग्रवाल लीड रोल में थे और महेश भट्ट ने इसे डायरेक्ट किया था 23 साल बाद इसका सीक्वल बना जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी इस बार इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर नजर आए थे जिसे मोहित सूर्यवंशी ने निर्देशित किया था और अब जल्दी आशिकी 3 भी फ्लोर पर आने वाली है जिसमें कार्तिक के अपोजिट किस हीरोइन को कास्ट किया जाएगा यह देखने वाली बात होगी तो दोस्तों आपको दीपिका और कार्तिक की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब कर खबरें